अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ब्रेड। चक्की का जो आटा होता है गंदम का, उसकी हम आज बनाएंगे ब्रेड। तो सबसे पहले हम लेंगे 3 कप मैंने आटा लिया था, घर का जो चक्की का आटा होता है वो। इस कप से मैंने इसको मैय किया था। ये 3रा कप मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें ये डाला है। 3 कप मैदा लेके हम एक जो टेबलस्पून होती है वो हम 2 टेबलस्पून ईस्ट डालेंगे। उसके बाद हम 1 टेबलस्पून शुगर डालेंगे। ये नीम गरम दूध है जो मेरा पूरा 1.5 गिलास इसमें हुआ था इस्तेमाल, और 2 चम्मच ऑयल है जो इसका हम लास्ट में इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था जो मैं इसमें शामिल नहीं कर सकी। इसको अच्छी तरह से ये नीम गरम दूध से आहिस्ता आहिस्ता गूंद लें। एक अच्छी सी और नरम डो हमारी तैयार होनी चाहिए। ये 1 गिलास हमारा ख़त्म हो गया था नीम गरम दूध का, तो हमने आधा और लिया था, यानी कि हमारा 1.5 गिलास दूध जो है वो इसमें इस्तेमाल हुआ था। अच्छी तरह से नरम हाथों से हम इसको गूंद लेंगे, और एक अच्छी और ना तो ज़्यादा ये नरम होनी चाहिए डो, ना ये ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। लास्ट में हम इसको थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के तो हम इसको गूंद लेंगे अच्छी तरीके से। ये मैंने इस पूरी वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई है, मैंने कुछ भी कट नहीं किया बीच में से, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। एकदम से सादा दूध हमने इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे ताकि ये हमारा जो डो है वो ज़्यादा नरम ना हो जाए। एंड पे हम थोड़ा सा इसको ऑयल हाथों पे लगा के हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल से, और फिर उसके बाद इसको गूंदेंगे। अब ये दूध हमारा जो बच गया था, ये अब इतना मैं आपको बता रही हूँ कि इतना हमने इस्तेमाल किया था, यानी कि 1.5 गिलास हमारा दूध इसमें इस्तेमाल हुआ था, नीम गर्म दूध था। ज़्यादा गर्म भी दूध नहीं लेना। अच्छी तरह से इसको ऑयल लगा के ऊपर से नीचे से लगा के, बर्तन में भी नीचे लगा के इसको फिर हम ढक के 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर गर्म हो तो फिर तो बहुत जल्दी 1 घंटे में ही राइस हो जाता है, लेकिन आजकल जैसे ठंड है तो ये इतनी जल्दी राइस नहीं होगा, 2 घंटे तो इसको चाहिए। इसको कवर करके एक साइड पे रख दें। दो घंटे बाद जब मैंने इसको देखा तो ये बहुत अच्छे से राइज हो गया था। ये देखिए अपने साइज से डबल हो गया है।
अब इसको दबा के अच्छी तरह से इसकी एयर निकालनी है। इसको सारा आटा निकाल के हम आटा डस्ट करके नीचे खुश्क आटा तो इसको निकाल लेंगे मैट पे। हाथों की हथेली से हम अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे दोबारा से। हाथों की हथेली की मदद से हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे और फिर इसको बिल्कुल फ्लैट करके हाथों से ही हमने इसको रोल कर लेना है। ऐसे हाथों की मदद से ही हम इसको फैला लेंगे। फैला के इसको हमारा जो टिन है, जो हमारा मोल्ड है ब्रेड का, उसके साइज का करके तो फिर इसको एक साइड से हम इस तरह से मोड़ लेंगे और जो इसके किनारे हैं इनको हाथों की मदद से हम बंद कर देंगे ताकि जब ये बेक हो तो ये खुल ना जाए। ब्रेड का जो मोल्ड है उसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लें। अच्छी तरह से चारों साइडों पे उसको ऑयल लगा लें। बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा अच्छा सा खुद से ही निकल जाएगा। बस आप अच्छी तरह से इसको ऑयल से ग्रीस कर लें। कोई जगह रहनी नहीं चाहिए कि जहाँ पे ऑयल ना लगा हो। ऑयल लगाने के बाद हम इसको आराम से उठा के इसको रख देंगे अपने मोल्ड के अंदर। अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और वाइट तिल लगाएंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, मैंने लगाए थे। और इसको हम दोबारा से 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से दोबारा से राइस हो जाए। ये वाइट तिल मैंने लगाए थे। बेक होने के बाद ये बड़े प्यारे लगते हैं। अब हम इसको ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये दोबारा से राइज हो जाए। और इसी दौरान मैंने अपना ओवन जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और ये देखें, बेक हो के जब ये निकली है तो ये देखें कितना अच्छा कलर आया इसका। इसके ऊपर हम मक्खन लगा देंगे थोड़ा सा ताकि ये ऊपर से सॉफ्ट हो जाए। और अभी इसे फौरी तौर पर हम नहीं निकालेंगे, फिर ये टूट जाती है। इसको एक घंटा के लिए हम ऐसे ही रखेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी सही तरह से, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, तो हम इसको निकालेंगे। अभी हम इसको इसी तरह से ढक के रख देंगे। ये देखिए हमारी ठंडी हो गई है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गई है। अब हम इसको अच्छी तरह से नाइफ की मदद से चेक कर लेंगे कि साथ तो नहीं लगी हुई सारा एक दफ़ा से। ये देखिए कितने आराम से ये निकल गई है, देखिए कितनी अच्छी बेक हुई है हमारी। बहुत अच्छी ये ब्रेड बनी थी बहुत। अभी मैं आपको इसको एक कट करके दिखाती हूँ।
इतनी ये सॉफ्ट बनी हुई थी कि बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी ये ब्रेड बनती है। अल्लाह हाफिज़।